बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर नवान इस्लाम और हमारे आज के डिस्कशन का मौजू है वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस। वेरिएबल किसी भी मेमोरी लोकेशन को आप किसी नाम से रेफर करें अपने प्रोग्राम में, जिस तरीके से अलजबरा के अंदर वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई, इसी तरीके से किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम वेरी कर रही होती है और ये किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही होती है। वेरिएबल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर वेरिएबल का कोई नाम होगा, वेरिएबल की कोई डेटा टाइप होगी, वेरिएबल का साइज़ होगा और वेरिएबल की कोई वैल्यू होगी। पाइथन दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले में इस हिसाब से मुख्तलिफ है कि ये एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। यहाँ पे आप किसी वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि जब आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। ये अप्रोच सी या जावा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ तक के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात है, पाइथन में चार प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। पहली डेटा टाइप इंटीजर है, तो अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर x ने वैल्यू 9 अज्यूम कर ली है, x में वैल्यू 9 चली गई है और x की टाइप चेक करने के लिए मैं टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, तो x की टाइप मुझे पता चल रही है कि इंटीजर है। दूसरी डेटा टाइप जो पाइथन में अवेलेबल है वो फ्लोट है, x इज इक्वल टू मैंने 4.3 लिखा और टाइप ऑफ x देखना चाहूँ मैं तो x की टाइप फ्लोट है। इसी तरीके से x में मैं बूलियन भी वैल्यू डाल सकता हूँ, x इज इक्वल टू ट्रू या x इज इक्वल टू फॉल्स। बूलियन दो तरह की वैल्यूज ले सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स। मैं x की टाइप चेक करता हूँ तो x की टाइप बूलियन है। फाइनली मैं x के अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। x मैंने लिखा नमान, तो टाइप ऑफ x अगर मैं चेक करूँ तो str आ रही है जो कि स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये चार डेटा टाइप्स हैं। वेरिएबल के ऊपर मैं मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं x इज इक्वल टू 9 लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ और z इज इक्वल टू x प्लस y करता हूँ, तो z में क्या वैल्यू आ जाएगी? x प्लस y का रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से मैं एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके अलावा एक स्पेशल ऑपरेटर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, वो रिमाइंडर का ऑपरेटर है। मैं अगर लिखता हूँ z इज इक्वल टू एक्स परसेंट 3, तो x की जो भी वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, अभी x की वैल्यू 9 है उसको 3 से डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और z का रिमाइंडर, z में जो वैल्यू जाएगी वो 0 जाएगी। अगर मैं z इज इक्वल टू x रिमाइंडर 2 करता हूँ, तो अब x में 9 वैल्यू पड़ी हुई है, रिमाइंडर 2 से निकालेंगे तो 1 आंसर आना चाहिए, तो ये रिमाइंडर ऑपरेशन हो गया। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।